नमस्ते बिजीबीज, दिस इज हितैषी और मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रहे सुबह के 6:30। फ्रेशन अप हो लेती हूँ और उसके बाद में चलेंगे रनिंग करने। वी आर रेडी टू गो। तो हम आ चुके हैं पार्क में और मैं दिखाती हूँ आपको। इधर से तो गाय कुत्ते ही दिख रहे हैं, दूसरे एंगल से दिखाऊंगी। झूले वो रे और लोग दौड़ रहे हैं, वही बच्चे जिन्होंने मुझे रोस्ट किया था वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं उधर की तरफ वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो फिर से मुझे रोस्ट कर देंगे। तो गाइस पार्क आई हूँ मैं पहली बारी। तो गाइस पिछली वीडियो में मुझे बच्चों ने रोस्ट कर दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे से वो वीडियो देख सकते हो। तो हम आ चुके हैं एक्सरसाइज वाली जगह पे और आज मैं एक्सरसाइज भी करूंगी क्योंकि मुझे मेरी बहन ने सिखा दी है कि किस किस पे क्या क्या होता है। तो आज मेरे पास वो कॉन्फिडेंस है कि मैं इस पे एक्सरसाइज करूंगी। तो गाइस देखो ये रहे इक्विपमेंट। तो अभी मैं इन पे आके बैठ चुकी हूँ, लेकिन करेंगे करेंगे एक्सरसाइज भी करेंगे, पहले थोड़ा आनंद तो ले लें सुबह का। गाइस अभी मैं इस पर बैठ चुकी हूँ और अभी मैं करूँगी इस पर एक्सरसाइज। तो मेरी बहन ने मेरे को बताया था इस पर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, देखना। ओह मैं हवा में उड़ चुकी हूँ और इससे जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है। A few moments later. पहले आगे पीछे करके वो बना ले एकदम। तो गाइज अगर हमें वो वाले गाने पे डांस करना है, पतली कमर या मोरी हाय हाय हाय, अगर उसमें डांस करना है तो हम ना ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर हमें उस पर डांस करना है तो पहले हमें हमारी कमर को इस पे पतला करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बैठ के पतला होने का है, वो खड़े होके है। ये शायद पता नहीं क्यों है, पर इस पे बैठ के तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अभी बार में गाने लग जाऊंगी। मुझे लग रहा है मैं कोरियन सीरियल में गाने वाली हूँ क्योंकि वो लोग ऐसे ही बैठ के गाते हैं और स्पॉटलाइट होती है। बस माइक की कमी है, लेकिन गा तो तेरी बहन दे। कंधों की होती है शायद इससे। देख तेरी यहाँ पे जोर आ रहा है। तो ये तो पार्क आते भी जोर ही आ रहा था। क्या एक्सरसाइज हुई? तो अभी हो रहा है कोचिंग का टाइम और मैं हो रही हूँ लेट। आज खाना बनाऊंगी कोचिंग से आके। तो अभी नाश्ता तो करना ही है वरना मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तो नाश्ते में सेब खा लेते हैं। तो अभी मैं कोचिंग से आ चुकी हूँ और आज मैं सुबह खाना बना के नहीं गई थी, तो अब पहले खाना बनाएंगे और उसके बाद में खाएंगे। आई वॉन्ट टू ईट बैंगन का भरता। भाई क्या बैंगन है। तो गाइस हमारे प्याज देखो कितनी बुरी तरह उग चुके हैं। ये जो प्याज हैं वो रखे रखे ही उग गए, तो हमारे जो प्याज है वो आल प्याज बन चुके हैं। तो मतलब टैलेंट देख रहे हो, घर में ही आल प्याज बन गया मार। तो गाइस मेरे पास ना मटर नहीं थे सब्जी में डालने को, तो फिर मैंने सोचा कि काश मटर वाला आ जाए और फिर मैं मटर ले आई हूँ। अभी अभी अब मेरे भट्टे में मटर भी होंगे। तो अभी मैं छील रही हूँ मटर और इसको छीलने में मुझे इतना जोर आ रहा है ना। अभी लाए हैं मटर और अभी मेरे को यूज करने, तो मैं छील रही हूँ। मेरे को इतना वेला काम लग रहा है ना, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाफट बन जाती सब्जी। मैंने कंक्लूजन निकाला कि मैं कम मटर की सब्जी खा लूंगी। तो भरता बन के तैयार है और रोटियां भी बन के तैयार है। लेट्स ईट।
हूँ अभी फालतू का सा टाइम पास रास्ते के अंदर, तो अभी चलते हैं फटाफट से लाइब्रेरी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं लाइब्रेरी पधार चुकी हूँ और करते हैं एंट्री अभी लाइब्रेरी की। चलते हैं अपनी सीट पे जो कि है सीट नंबर 46। और अभी कर रही हूँ मैं अपने दिन को प्लान कि मुझे अभी सारे दिन में क्या क्या पढ़ाई करनी है। अगर आप SSC CGL Tier 2 के मॉक्स देना चाहते हो जो कि न्यू पैटर्न पे है, क्योंकि SSC CGL का इस बार से न्यू पैटर्न हो चुका है, तो न्यू पैटर्न पे आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक दोगे उतना ही एग्जाम सेंटर में आपकी नर्वसनेस कम होगी। तो ये एक जरिया है अपनी नर्वसनेस को एग्जाम सेंटर में कम करने का कि आप उससे पहले बहुत सारे मॉक्स दो। तो उसके लिए ओलिव बोर्ड, जिसपे इंडिया मोस्ट अटेम्प्टेड SSC CGL टेस्ट है, ओलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है उस ऐप पे, एंड उसके बाद में हर सैटरडे संडे को लाइव मॉक होते हैं उसपे जो कि फ्री होते हैं, आप बिना किसी पैसे डाले आप फ्री मॉक्स दे सकते हो। तो इस सैटरडे संडे यानी 11 और 12 फरवरी को आप वहां पे लाइव मॉक्स दे सकते हो, वो आप जरूर देना, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, आप कहाँ स्टैंड करते हो उस कंपटीशन में उतना ही अच्छे से आपको पता चलेगा। जब मॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद में आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख पाओगे। उसके बाद में मॉक देना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी उसका एनालिसिस करना है। मॉक देने के बाद में उसका एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करना ताकि कोई कमी ना रहे। मैं भी मॉक दूंगी इस सैटरडे संडे और आप भी मॉक देना। विश यू लक फॉर योर टेस्ट एंड विश मी टू इन कमेंट सेक्शन। सबसे पहले मैं कर रही हूँ बुक रीड जो कि है चेतन भगत की नोवेल द गर्ल इन रूम 105, जिसके अंदर इसका स्टार्टिंग में मर्डर हो गया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग और मसालेदार चटपटा की नोवेल है ये, और काफ़ी मज़े आ रहे हैं मुझे इसको पढ़ने में। पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया है इसको पढ़ते पढ़ते। के अंदर अभी मर्डर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंस्पेक्टर राणा इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आधे घंटे मसालेदार नोवेल पढ़ने के बाद में 2:30 बजे से आई एम स्टडिंग मैथ्स, और मैथ्स के अंदर जो मेरा पिछला टॉपिक था उसको मैं बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक, और ये देखो कुर्सियाँ ऐसे जचा रखी हैं जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के लिए जचाई जाती है। तो ब्रेक लेके मैं आ चुकी हूँ और मेरी बहन पढ़ रही है और सभी पढ़ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी फिर से। अभी बज रहे हैं 4 और मैं पढ़ रही हूँ फिर से मैथ्स। मैथ्स के अंदर अब मैं अपनी नोटबुक से कर रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो अभी बज चुके हैं 5 एंड आई एम स्विचिंग टू अदर सब्जेक्ट जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर मैं कर रही हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, क्योंकि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि पिछले 2-3 सालों में जो उसका लेवल है वो बढ़ चुका है। तो अगर वो आपको बहुत ही अच्छे से नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में उसमें अटकोगे ही अटकोगे। तो मेरी राय आप लोगों के लिए भी है ये कि कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना। तो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, जब भी किसी चैप्टर की प्रैक्टिस करो तो टाइमर लगा के करना। तो मैं रीजनिंग में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती हूँ, 16 मिनट 20 सवाल। तो अभी बज रहे हैं 6 और मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर। इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर एरर स्पॉटिंग के सवाल ज़्यादा आते हैं। तो मैं भी आपको एक सवाल देती हूँ, अगर आपको आता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्वेश्चन है ए डिक्शनरी एंड एन एटलस इज और आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो इज आएगा कि आर आएगा ये बताना। तो अभी बज रहे हैं 7 क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने, एंड नाउ आई एम बैक। और अभी मैं पढ़ रही हूँ वोकैब जो थोड़ा सा हार्ड लगता है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है, और जो मुझे याद करने में मुश्किल होती है उसको मैं 2-4 बार लिख भी लेती हूँ। एंड रिविज़न इज़ द की ऑफ वोकैब। जब तक आप रिविज़न नहीं करोगे टाइम टू टाइम आपको वोकैब कभी याद नहीं रहेगी। तो अभी बज रहे हैं 8, 1 घंटे वोकैब करने के बाद में मैं अभी पढ़ रही हूँ GK, और GK के अंदर आई एम स्टडिंग मेडिवल हिस्ट्री, और उसमें जो भी मुग़ल सल्तनत का काल था वो पढ़ रही हूँ। तो चलो इससे भी एक सवाल ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि 17 बार आक्रमण भारत पर किसने किया था। तो SSC CGL के मेंस में कंप्यूटर भी आने वाली है, तो अभी मैं थोड़ी देर कंप्यूटर की रीडिंग लगा रही हूँ
एंड उसके बाद में चलेंगे घर। तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं और मेरी बहन चले रूम पे और बाय बाय लाइब्रेरी। तो अभी लाइब्रेरी के बाद मैं आ चुकी हूँ रूम पे, कपड़े कर लिए हैं मैंने चेंज और अभी मैं करूंगी टाइपिंग क्योंकि सुबह नहीं की थी। जैसे ही मैं एंटर पे हाथ लगा जाते हैं मेरी सारी दुनिया हिल जाती है। तो ये रही रोटी और ये रही सब्जी। आज के लिए बस इतना ही। ओके टाटा बाय।